गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल में देखा, ये 100 रुपीज का फूड चैलेंज होने वाला है। हाँ जी, तो सारा दिन मेरे पॉकेट में बस 100 रुपया रहेगा और वही 100 रुपया में मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का स्नैक्स, रात का डिनर, ये 4 चीज करना है। और चाय तो रहेगा ही, चाय के बिना ब्रेकफास्ट कभी कंप्लीट हो सकता है? कभी नहीं। क्या क्या चीज हम लोग खाएंगे, 100 रुपया में होता है कि नहीं होता है, या फिर ये जो चैलेंज है पूरे तरीके से फेल हो जाता है, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। और आज का जो दिन का शुरुआत है ना, 11 बजे ही हो गया है। हाँ जी, तो हमारा दिन का शुरुआत हुआ है कलाकार स्ट्रीट से और ये हमारा चाय। बाय द वे 10 रुपए का चाय है ये। कलर देखकर तो चाय का काफी अच्छा लग रहा है। 100 रुपए में से 10 रुपया खर्च हो गया, अभी बचा हुआ है बस 90 रुपए। 90 रुपए में हम लोग को ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। चाय भी हम लोग को 5 रुपए में मिल जाता, उससे भी कम में 3 का भी चाय मिलता है। लेकिन नहीं, चाय में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए 10 रुपए वाला चाय। नहीं तो हम लोग का प्लान था 18 रुपए का जो MBA चाय वाला है ना, वहाँ का इलायची चाय पीने का, लेकिन वो थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, चलेगा, इलायची वाला चाय भी है। ये रहा मेरा प्यारा दुलारा, 100 रुपए दे दो पापा इसको, देखो इसमें से कितना बचा। हाँ जी, तो देख लो ये 80 रुपया में वापस मिल गया। एक्चुअली ये 10 रुपया करके चाय था, 2 लोगों का 20 रुपया हुआ, मतलब समझ लो 10 रुपया हमारा अभी खर्च हुआ है, क्योंकि अब दोनों लोगों का तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ ना, इसमें और 10 रुपया ऐड हो गया, तो अब मेरे पास प्रॉपर 90 रुपया हो गया है। अब इस पैसा में हम लोग को सारा दिन निकालना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हो जाएगा, एक आदमी में 100 रुपया लग सकता है। तो चलो अब यहाँ से जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और अभी हम लोग जिस जगह में है ना, ये पूरा ब्रेकफास्ट का हब है। अच्छा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, ये कलाकार स्ट्रीट है। भाई तो यहाँ का राज कचौड़ी मेरे मम्मी का फेवरेट है, तो यहाँ का जो समोसा होता है ना, घी में फ्राई करके देते हैं। इस गली में हमेशा आपको ऐसे ही जैम मिलेगा। ये गली में अगर आपको खाली चाहिए गली, तो रात के 10 बजे के बाद। यहाँ का कचौड़ी हम लोग को बहुत पसंद है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कचौड़ी खाने का प्लान था ना, वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि 40 रुपया प्लेट था कचौड़ी। भाई हम लोग का पूरा बजट गड़बड़ हो गया, बजट मतलब पूरा उलट पलट हो जाता। और मानते हैं ये बस 100 रुपए वाला ही चैलेंज है, लेकिन एकदम सस्ता वाला भी हम लोग को नहीं खाना है। वो 10-12-15 रुपए वाला भी मिलता है, वो नहीं खाना है। तो अभी प्लान हुआ है कचौड़ी नहीं खाने का। जिस एरिया में अभी हम लोग है ना, यहाँ पे एक अच्छा इडली मिलता है, तो वो ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने ले लिया है ये इडली, 20 रुपए का 3 पीस। यहाँ से यहाँ पे इडली ट्राई करने के लिए पापा जाने का, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। प्राइस बस 20 रुपए है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब इसको दुकान में नहीं बोला जाएगा, एक छोटा सा स्टॉल है। तो भाई साहब, तो 20 रुपए में हमें 3 पीस इडली मिल चुका है, और क्या चाहिए। वैसे तो ये फूड चैलेंज है 100 रुपए का, अगर ये फूड चैलेंज नहीं रहता ना, ये खाने के बाद मैं लंच नहीं खाता। आराम से निकल जाता। वैसे भी अभी 12 बज चुका है, लंच वाले टाइम में मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो ये खाने के बाद तो बिल्कुल भी खाने का। ये नहीं कि बड़ा बड़ा इडली, देख लो काफी बड़े बड़े साइज का इडली है, और चटनी भी काफी अच्छा है। तो अभी हमारा 100 रुपए में से टोटल 30 रुपए खर्च हो चुका है, 20 रुपए इडली में, 10 रुपए चाय में, और बचा हुआ है हमारे पास 70 रुपीज। देखते हैं, ट्राई करते हैं 70 रुपए में और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस इडली को जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ जी, तो मस्त हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह ट्राई कर लिया है। अब मेरे को नहीं लग रहा है ब्रेकफास्ट करने के बाद, वो इडली खाने के बाद, वो 3 पीस इडली आपको कैमरा में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही हेवी था। और वो 3 पीस इडली खाने के बाद मेरे को तो नहीं लग रहा है शाम के 4 या 5 बजे तक कुछ पेट में जाएगा अभी। तो अभी क्या करेंगे ना, जो लंच है वो लेट से करेंगे। और वैसे भी अभी पापाइदा को भी कॉल आ गया, उत्तरपाड़ा में उनको 2 डिलीवरी देना है केक का। अच्छा है, टाइम भी मिल जाएगा हम लोगों को, अभी वो लेने जाएंगे। बट उससे पहले हम लोग आ गए ई मॉल। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये ई मॉल है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था ना PS5 मुझे लेना है, कहाँ मिल सकता है कोलकाता में। आपने से बहुत लोगों ने बोला था कि एक बार आप ई मॉल में ट्राई कर लो। देखो, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तब तो मैं नहीं लूंगा, अगर वो एग्जैक्ट सेम प्राइस में देंगे जो प्राइस में सबको मिलता है तभी लूंगा मैं, अदरवाइज नहीं लूंगा। रेट वगैरह तो बात की बात, मिल जाए बस वही है। तो अभी तो जहाँ भी पता कर रहे हैं, 2 जगह था अवेलेबल, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है यहाँ पे। अभी आपका 65-70 तक रेट बता रहा है, सब नहीं चाहिए अभी। जैसा कि मुझे लग रहा था, वैसे तो कहीं भी दिख नहीं रहा था PS5। जो 2 दुकान वाले हम लोग को बोले भी ना कि हाँ उनके पास है, लेकिन उनके पास स्टोर में नहीं था, वो हो सकता कहीं से ब्लैक वगैरह में कहीं से लेकर आते नहीं, तो... वो बोला अभी पूरा पेमेंट करके जाना पड़ेगा, नेक्स्ट डे मिलेगा माल। नेक्स्ट डे मिलेगा, ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं होता नहीं है, और ऐसा कहीं मैंने देखा भी नहीं है। और आईफोन के टाइम भी सेम हुआ था, जब मुझे 13 लेना था, मुझे याद है अभी भी, याद है बारिश हो रहा था, पापा था मेरा बर्थडे था, तो मैं सोचा बर्थडे वाले दिन ही उसे लेना है। कल मेरा बर्थडे था, आज मैं निकल गया था लेने के लिए, बारिश हो रहा था भाई, कैब वगैरह करके कैसे कैसे मैं गया था, पूरा पानी लगा हुआ था। लेकिन वहां जाकर पता चलता है मुझे एक्स्ट्रा 40,000 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं भैया, इतना भी क्रेज नहीं है आईफोन का। और सेम उसी तरह PS का भी मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन टाइम पास के लिए मैं सोच रहा था, शायद मुझे जहां तक पता है 50,000 रुपया उसका प्राइस है PS5 का,
और ये लोग 70, 68, 62 ऐसा करके रेट बोल रहे हैं। प्लीज अगर कोई कोलकाता से देख रहा है तो अगर आपको आइडिया हो जेन्युइन रेट में, मतलब जो PS5 का जो रेट है उस रेट में, अगर कोई डीलर वगैरह देख रहा है जो PS5 में डील वगैरह करता है तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो इधर भी यार। खैर कोई नहीं, अभी जाते हैं भवानीपुर जहाँ से पापा जीता केक है कि फ्लावर है। केक फूल दोनों ही है। अच्छा, केक फ्लावर दोनों ही रिसीव करना है पापा जीता को। अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, एक ही बार आप लंच करेंगे तब दिखाएंगे। City of mine, it never gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worth is life when it's complex, I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's... तो अभी टाइम हो गया लंच का, अभी देख लो 3:16 हो गया दोपहर का, तो ये परफेक्ट टाइम है लंच का क्योंकि हम लोग 12 बजे के लगभग ब्रेकफास्ट किए थे। वैसे सच बताऊँ तो अभी भी हम लोग बिना खाए रह सकते हैं, भूख लगा है भूख अभी भी नहीं लगा है सच बताया तो, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो ट्राई करने के लिए आए लंच में, तो हम लोग एक ही थाली ऑर्डर करेंगे, अलग अलग करके ऑर्डर करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो देख लो लंच करने के लिए हम लोग इधर आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंडियन म्यूजियम है, इसके जस्ट बगल में एकदम सस्ता में अच्छा खाना मिलता है। यहाँ लाइन से ही आपको खाना मिल जाएगा, यहाँ चाइनीज मिलेगा, बिरयानी भी मिलता है, नॉर्थ इंडियन फूड भी मिलेगा। और आपको मैं यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ एक बार, देख लो। तंदूरी रोटी यहाँ पे मिलता है 5 रुपए करके, 4 रुपए का चपाती है, रुमाली रोटी 5 रुपए का है, बटर नान अगर आप लेते हो तो 12 रुपए का, पुलाव भी मिलता है 25 रुपए का, 25 रुपए का पुलाव है, चना मसाला 18 रुपए का है, आलू दम 12 रुपए का है, वेज बिरयानी 45 रुपीज का, वेज बिरयानी मटर पनीर है आपका 18 का, बाकी सब सब्जी सब देख लो 18, मतलब 20 रुपए के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, पुलाव छोड़कर, पुलाव बिरयानी छोड़कर 20 रुपए के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है ये चिल्ली पनीर 18 रुपए का, बटर पनीर 18 रुपए का, साथ में 2 तंदूरी रोटी 5-5 रुपए करके। और ये देख लो ये आ गया हमारा लंच, तो टोटल ये जो आप देख रहे हो लंच मेरा 46 रुपीज का लंच है। खैर कोई नहीं, 6 रुपए बढ़ गया, अब हम लोग को डिनर में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। स्टार्टिंग ये पनीर की सब्जी से, इतना सस्ता में इससे अच्छा कुछ आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है ना कि इतना सस्ता है तो जो भी कुछ दे दिए। अरे इतना आदमी बैठ के खाना खा रहा है, अगर भूख लगा रहता ना तो ये तो एक प्लेट अकेले खा लेते। और पनीर भी पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पनीर नहीं है, सस्ता में दे रहे हैं तो एकदम थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे दिए। 18 रुपए का सब्जी है लेकिन पनीर भी आपको दिख जाएगा अंदर। एक बार देखते हैं ये चिली पनीर अब कैसा है। ये कुछ ऐसा पनीर है, बढ़िया यार, बेटर ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारा, लेकिन मेरे हिसाब से इससे अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं है। अगर है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि इससे सस्ता में अच्छा लंच कहाँ मिल सकता है, खास करके ये बटर पनीर के साथ ये रोटी खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो पीछे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे चाइनीज़ फूड सब मिलता है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप के लोग भी बैठकर यहाँ पे लंच करते हैं, वहाँ पे तो काफ़ी लोग अपना कार पार्क करके भी खा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखो, मेन बात है ना, सस्ते खाने का बात नहीं है, मेन बात है अगर आपको सस्ता में अच्छा खाना मिल रहा है तो आप क्यों नहीं खाओगे। सस्ते में भी क्वालिटी, आदमी कितना आदमी खा रहा है यार, अच्छे अच्छे लोग खा रहे हैं यार, क्वालिटी चीज़ क्या बोलते हैं भाई, सस्ते में भी लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। वही तो बात है ना, 18 रुपए का सब्जी में पनीर तो भर भर के दिया था, 5 रुपए करके तंदूरी रोटी मिल रहा है, 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा दो बटर रोटी मिल जाएगा। हम लोग ले सकते थे बटर रोटी भी लेकिन थोड़ा बजट गड़बड़ हो जाता, वैसे ही 6 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। लंच हमारा फाइनली हो गया, 46 रुपीज में हमारा लंच भी हो गया, इससे भी सस्ता हम लोग कर सकते थे, 28 रुपए में भी हो जाता अगर हम लोग कोई एक आइटम ऐड नहीं करवाते सब्जी में, लेकिन हम लोगों ने 2-2 सब्जी ले लिया इसलिए 46 चला गया, नहीं तो 28 में आराम से हो जाता। अब देखो डिनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेकिन डिनर से पहले हम लोग को शाम का स्नैक्स भी दिखाना है। 46 रुपीज का तो लंच हो गया, 10 रुपए का चाय हो गया, 56 और क्या था, इडली 20 रुपए का टोटल, वहाँ पे 30 रुपए लगा ब्रेकफास्ट का चाय में, इधर 46 लगा, कितना 76, 24 रुपए पड़ा है। 24 रुपए, 24 रुपए में कैसे होगा स्नैक्स और डिनर। स्नैक्स होगा थोड़ा बहुत, वो चॉप होगा नहीं तो मुड़ी होगा, देखो क्या होता है। लंच कम्प्लीट करके हम लोग निकल चुके हैं, अभी हावड़ा साइड जा रहे हैं, जो बाकी का काम सब है डिलीवरी वाला वो सब निपटा देते हैं, उसके बाद शाम का स्नैक्स एंड रात का डिनर भी बाकी है।
था लंच हम लोगों ने बस एक प्लेट ही लिया था, उसमें ही दोनों का पेट भर गया। उसके बाद से तो स्नैक्स वगैरह डिनर वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ 100 रुपीज का चैलेंज, जिसमें आपको सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर शाम के स्नैक्स से लेकर डिनर तक सब कुछ देखने को मिला। और अभी फिलहाल हम लोगों ने स्नैक्स में अपना ले लिया समोसा, वो भी कितने का? 5 रुपए का समोसा। और ये भाई मैं अपने एरिया में ही हूँ, आसपास में ही एक जगह है यहाँ का मस्त समोसा होता है। समोसा से भी अच्छा होता है कचौड़ी, लेकिन वो सुबह सुबह मजा आता है। 76 रुपीज अभी तक हम लोग का खर्च हुआ है 5 रुपए का समोसा, ये टोटल 81 रुपीज हो गया ये समोसा लेकर, अभी भी 19 रुपए बचा हुआ है। जो डिनर हम लोग करते रहते हैं बढ़िया समोसा। यहाँ का कचौड़ी दिखाऊंगा आपको सुबह सुबह आकर, यहाँ का कचौड़ी बहुत खाया हूँ मैं। आज थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कि इतना रूटीन फॉलो करके कभी भी नहीं रहा मैं, जैसे कि पहले चाय फिर ब्रेकफास्ट उसके बाद लंच शाम का स्नैक्स, मतलब अभी तक तो एकदम सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम ही हुआ है। बस 24 रुपए बचा था हम लोगों का, उसमें से 5 रुपए भी चला गया, बस 19 रुपए बचा है। तो अभी हम लोग का प्लान हो रहा है पापा इधर के जस्ट घर के पास में ही एक पिटाई पराठा का दुकान है। पिटाई पराठा मतलब पराठा को उसको पीट पाट के बनाया जाता है कैसे, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी दिखाया हुआ है कभी कभी। अभी काम करते हैं, एक ही बार ये वीडियो को मिठाई पराठा के दुकान में जाके कंटिन्यू करते हैं। शाम का 7:05 हो रहा है, डिनर में हम लोगों ने क्या लिया मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो ये होने वाला है आज हमारा डिनर, और ये जो आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं पिटाई पराठा। मस्त लगता है, पता नहीं आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, लेकिन वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम लोग खाए होंगे जहाँ तक मुझे पता है। खास करके मैंने देखा है जब हम लोग गुड़ापुड़ाप साइड जाते हैं ना, वहाँ ज्यादा दिखता है सब चीज। ये मैंने 100 ग्राम लिया है, यहाँ पे देख लो 18 रुपए लिखा हुआ है ना, मतलब 180 रुपए किलो है ये, और ये वजन के हिसाब से मिलता है। मैंने इसको बस 100 ग्राम लिया है, मेरे पास बचा कितना था, टोटल बचा था 19 रुपए था ना, 1 रुपया बच गया। तो भाई साहब देख लो, इतना कुछ खाने के बाद भी अभी भी 1 रुपया बच गया, ये 18 रुपए का ये हो गया। चलो इसको तो खा लेंगे, इसका क्या ही रिव्यू करें। और भाई देखो ये जो जगह आप देख रहे हो ना, यहाँ मैं अभी नहीं 2015-14 में बहुत आता था, ये पुराना याद ताजा हो गया यहाँ आकर, बहुत आता था एक टाइम में, बहुत आता था। चलो अपना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से।